हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही सबको? यस सर, गुड इवनिंग बच्चों। ठीक, गुड इवनिंग सर। कल अपन ने क्या स्टार्ट कर दिया था? सॉरी, आप कल प्रॉब्लम कराए थे आप लोगों को, मैंने है यस ना? सर, यस सर। ठीक है, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट वेरी एप्लीकेशन, दैट इज मैक्सिमा इन मिनिमा, है ना? एक सेकेंड। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था पूरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में दो तरह की वैरायटी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा मैक्सिमा एंड मिनिमा। तब ये मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है? तो इसमें इस पूरे टॉपिक में चार टर्मिनोलॉजी दिखेगी आपको, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। ये चार चीजों के साथ हमें डील करना है। ये चार चीज होती क्या है, एक छोटे से डायग्राम के इससे समझाने की कोशिश करता हूँ। इसे मान लो कोई फंक्शन का ग्राफ में किसी इंटरवल ए से बी में बना रहा हूं, मान लो ऐसा कुछ। ठीक है, ये मान लो इंटरवल ए से बी में मैंने कोई ग्राफ बना दिया, ए से बी में ये फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स। अब यहां पे कोई चीजें हैं, जैसे तो ये है आपका, यहां पे देखो तीन चीजें हो रही है। ये जो टर्म है इसको क्या बोलते हैं बताओ? हेलो, मैक्सिमम, आपको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। मैक्सिमम, एक मिनट बच्चों, सर, आ रही है। एक मिनट बच्चे, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ लैपटॉप में इशू आ गया था। अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तीन पॉइंट है। ये जो पॉइंट है इसको अपन क्या नाम देंगे आपके हिसाब से, बताओ? मैक्सिमा सर, ए मिनिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमा, लोकल इसको और इसको क्या बोलेंगे? मिनिमम, इसको क्या लोकल मिनिमम, मिनिमम, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। क्लियर है? अब देखो, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा का मतलब क्या है? लोकल मैक्सिमा मैक्सिमा का मतलब ये है कि ऐसा पॉइंट जिसके नेबरहुड में, जस्ट नेबरहुड में, इसे एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, उन दोनों के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, मतलब अपने नेबरहुड से ये क्या हो, ज्यादा हो। यहाँ पे भी अपने नेबरहुड से ये दोनों क्या हो, कम हो। तो यहाँ पे मिनिमम, हाँ, लोकल मिनिमा ये हो गया, लोकल मैक्सिमा, ये भी अपने नेबरहुड से क्या है, इधर और इधर के दोनों से कंपेरिजन करें तो दोनों से क्या कम है, ये भी क्या हो गया, लोकल मिनिमा। तो ये लोकल मिनिमा होता है, इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। अब एक वर्ड आता है ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा मतलब पूरे फंक्शन में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो पूरे फंक्शन में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे आ रही है। तो मैक्सिमम इस पॉइंट पे आपको क्या मिल जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा, जहां पे पूरे फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है। और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो इस पॉइंट पे आपकी आएगी क्या, ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल तो ये चार तरह के पॉइंट है जिसके बारे में आपको ध्यान से समझना है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। सर, वो लोकल मैक्सिमा में तीन पॉइंट आएंगे ना सर, वो भी तो आएगा सर, बी जो जा रहा है। नहीं, लोकल मिनिमा में सिर्फ ये दो ही पॉइंट आएंगे, ये इसको मिनिमा नहीं बोलेंगे। लोकल मिनिमा मतलब ऐसा पॉइंट,
ऐसे पॉइंट को बोलेंगे लोकल मिनिमा, मतलब उसके नेबरहुड में थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में दोनों वैल्यू इस पॉइंट इस वैल्यू से क्या नीचे कम आनी चाहिए, क्लियर है? इसको बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा में सर वो जो बी पॉइंट है सर ये नहीं, इसको 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 भी ग्लोबल मैक्सिमा नहीं बोलेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा आपका यही रहेगा इस तरह का। इसमें भी सेम चीज कि ऐसा पॉइंट और उसके नेबरहुड में दोनों वैल्यू उस पॉइंट से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्लियर है? यस। तो ये मेरा लोकल मैक्सिमा और ये मेरा लोकल मिनिमा, ये दोनों लोकल मिनिमा और ये मेरा लोकल मैक्सिमा है, इसको मैं एंड पॉइंट पे ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है? और दूसरी चीज ऐसा भी होता है, यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आनी चाहिए, टेंजेंट कैसे आनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल, क्लियर है? ग्लोबल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के केस में टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आएगी। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। तो ये टर्मिनोलॉजी होती है। अब जैसे आपने डिफरेंशिएशन की मदद से ये जाना था कहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कहां पे डिक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में बढ़ेगा किस इंटरवल में घटेगा, वो डिफरेंशिएशन की मदद से हमने पहचाना था। हमने क्या किया था, डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएट किया, फिर उसको फैक्टर बनाए, फिर उन पॉइंट को प्लॉट किया जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो या नॉट डिफाइन हो, फिर उनके साइन कन्वेंशन लिखे प्लस माइनस प्लस करके, जहां जहां भी पॉजिटिव रीजन था डिफरेंशिएशन का, जहां जहां भी पॉजिटिव हो रहा था वहां पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, जहां जहां भी डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो रहा है वहां पे फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ा था। अब ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा की बेसिक डेफिनेशन क्या है, फंक्शन एफएक्स इज सेट टू बी लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए। लोकल मैक्सिमा कब आएगा, एक्स इक्वल टू ए पे, इफ द वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द फंक्शन इन सम नेबरहुड ऑफ, मतलब अपने नेबरहुड से में जो भी वैल्यू है उससे उस पॉइंट पे वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो। जैसे जो अभी एग्जांपल बताया था, ये इस पॉइंट पे वैल्यू ज्यादा और अपने नेबरहुड से क्या है, दोनों से ज्यादा, अपने नेबरहुड में जो वैल्यू है उन दोनों वैल्यू से इसकी वैल्यू क्या आ रही, ज्यादा आ रही है। अच्छा, इक्वल भी हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है, कभी कभी मान लो ऐसा कुछ ग्राफ आ जाए और ऐसा हो जाए कि मान लो बाद में इस तरह से चल जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कम है और यहाँ पे क्या आ रही है, नेबरहुड से इक्वल आ रही है। तो अभी भी इस पॉइंट को क्या बोलूंगा मैं, ग्लोबल मैक्सिमा ही बोलूंगा, क्लियर है? मिनिमा में सेम चीज, बस डेफिनेशन है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। डेफिनेशन क्या है कि इस पॉइंट पे सबसे मिनिमम अपने नेबरहुड से वैल्यू मिनिमम हो, अपने नेबरहुड में जो वैल्यू भी हो उन दोनों वैल्यू से ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, तो वो हो जाएगा लोकल मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमम मतलब पूरे फंक्शन में जो सबसे बड़ी वैल्यू हो, ग्लोबल मिनिमम मतलब पूरे फंक्शन में जो सबसे छोटी वैल्यू हो। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट वही है जो अपन ने फंक्शन अपन को दिया, अपन डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके फैक्टराइज किया। अब जहां जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा हो या फिर नॉट डिफाइन हो रहा हो, ऐसे पॉइंट को मैं क्रिटिकल पॉइंट बोलता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इज जीरो और नॉट डिफाइन, जहां पे एफ डैश एक्स जीरो हो या फिर नॉट डिफाइन हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई फंक्शन दिया, आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद उसके फैक्टर बनाए, मान लो फैक्टर ये आ रहे, तो मुझे बताओ ये अगर डिफरेंशिएशन है आपका तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे? हाँ, क्या क्या होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स? 5, 3 and -2। हाँ, 3, -2 और 5। यस सर। ये x को 3 रखूंगा तो f डैश 0 हो जाएगा, -2 पे भी f डैश 0 हो जाएगा, 5 पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन आया ना। तो जहां जब डिफरेंशिएशन जीरो या नॉट डिफाइन हो, मतलब ये जहां जब ये जो फैक्टर है वो जीरो हो रहे हो या, उनको अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट है, क्या बात समझ में आ रही है? जी सर। हाँ यस सर। मतलब क्रिटिकल पॉइंट आपके अंदर क्या है? अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट पे ही मुझे मैक्सिमम मिनिमम मिलता है, क्रिटिकल पॉइंट पे ही मुझे मैक्सिमम मिनिमम मिलता है, मतलब ऐसा, मतलब बेसिकली क्या है, देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं कोई ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। अब इन सब पे अगर टेंजेंट की बात करो तो बताओ टेंजेंट कैसी देगी, यहाँ पे टेंजेंट कैसे देगी, ऐसी आया ना? यस सर। खासकर ए बी डी और ई पे
इन पे टेंजेंट कैसी, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है? यस सर। और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मतलब स्लोप थीटा कितना है, जीरो, तो टेन थीटा जीरो, टेन जीरो पे टेन थीटा भी जीरो होता है, मतलब स्लोप आपका जीरो आ रहा है, स्लोप मतलब डीवाई बाई डीएक्स जीरो आ रहा है। यस सर। वो एक शार्प कॉर्नर या कस्प टाइप का शेप है जहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है ना। याद है बताया था मैंने कि शार्प कॉर्नर आए या फिर ऐसा कुछ शेप आ जाए तो यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये पॉइंट भी नॉन डिफरेंट वो वाला है, तो यहाँ पे क्या है, डिवाइड बाय डीएक्स क्या है, नॉट डिफाइन है, आया ना? यस सर। या डिवाइड बाय डीएक्स क्या है, नॉट डिफाइन, तो ये भी मेरा क्रिटिकल पॉइंट होगा, ये भी मेरा क्या होगा, एबीसी, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। जहां पे भी डिवाइड बाय डीएक्स, यहाँ पे सब क्या है, डिवाइड बाय डीएक्स जीरो, यहाँ पे बाकी सब पॉइंट पे डिवाइड बाय डीएक्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, आया ना? तो इन्हीं पॉइंट पे तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आ रहा है, हाँ ना? यस सर। है ना, इन्हीं पॉइंट पे तो मेरा क्या आ रहा है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो उन्होंने क्या बोला, क्या है कि आपके जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है वो इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट पे ही आएंगे। लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं, किसी कोई कोई क्रिटिकल पॉइंट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं आए, ऐसा ठीक है। लेकिन हाँ, क्रिटिकल पॉइंट में मैक्सिमम मिनिमम आते ही हैं, लेकिन सारे क्रिटिकल पॉइंट पे ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूँ, ऐसा कौन सा क्रिटिकल पॉइंट होगा जहां पे नहीं आएगा। जैसे मान लो ऐसा कुछ ग्राफ बना रहा हूं मैं, अब समझना अच्छे से। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आएगी, ठीक है, तो डीवाई बाई डीएक्स यहाँ पे क्या होगा, जीरो है ना? लेकिन क्या ये मेरा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा क्या? नहीं, क्योंकि इस पॉइंट के नेबरहुड में एक वैल्यू ज्यादा है। मैंने क्या कहा था, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का नेबरहुड में दोनों वैल्यू कम होनी चाहिए या फिर दोनों वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू कम है एक वैल्यू ज्यादा है, तो ये नॉट अ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। यहाँ पे भले क्रिटिकल पॉइंट जीरो है लेकिन यहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं है ना। यस सर। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, इसलिए उन्होंने अभी क्या बताया यहाँ पे कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहां पे एक तो डिफरेंशिएशन है जीरो, क्रिटिकल पॉइंट आर द कंटेंडर ऑफ गिविंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा आते हैं, लेकिन हर क्रिटिकल पॉइंट पर ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट में मैक्सिमम मिनिमा आपके आते हैं जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, क्लियर है? लेकिन हर इस पे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली आ जाते हैं। क्लियर है, आगे समझ में? यस सर। ओके, अब थोड़ा सा हम एग्जांपल ट्राई करेंगे, पहले क्रिटिकल पॉइंट पे। आपको ध्यान रखना क्रिटिकल पॉइंट के बारे में मैंने क्या बताया, जहां जहां पे भी डिफरेंशिएशन जीरो हो नॉट डिफाइन हो ऐसे पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब टू से फोर में मुझे बताओ इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से होंगे, करो ट्राई, डिफरेंशिएट करो, फैक्टराइज करो, देखो कहां कहां पे जीरो है नॉट डिफाइन आ रहा है। टू एंड थ्री आ रहे हैं।
सॉरी मेरा माइक ऑफ हो गया, पता नहीं चला। हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। मैंने क्या बताया कि अभी यहाँ पे एक पॉइंट था, क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, किसी भी इंटरवल के इंटीरियर पॉइंट होंगे। हाँ है ना, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लो मैं अगर ऐसी बात कर रहा हूँ तो हो सकता है किसी उस पॉइंट पे मेरा डिफरेंशिएशन नॉट डिफाइन हो रहा हो, वर्टिकल टेंजेंट वगैरह आ रही हो, लेकिन मेरे को क्रिटिकल पॉइंट क्या लेना, उस इंटरवल के अंदर लेना है, एंड पॉइंट पे नहीं। समझ आ रहा है? This noted that the critical point are the interior point of an interval. तो किसी interval के क्या होंगे? Interior point होंगे। अब यहाँ पे अगर आपने differentiate किया होगा तो ये आ रहा होगा, हाँ है ना? X square minus 5x plus 6. क्या clear है? Yes sir. है ना? तो यहाँ पे factor, यहाँ पे factor क्या बनेंगे? X minus 2, X minus 3. हाँ. x माइनस टू और x माइनस थ्री। अब यहाँ पे दो पॉइंट जहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, टू और थ्री पे, लेकिन मेरे क्रिटिकल पॉइंट कौन से होंगे? थ्री, थ्री, क्योंकि थ्री इन दोनों के बीच में आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा? x इक्वल टू थ्री। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, अब यहाँ पे इंटरवल को दी नहीं हुए तो आपको डायरेक्ट करना है। ध्यान से करो, बताओ क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है। इसको डिफरेंशिएट करो, देखो क्या आ रहा है। डिफरेंशिएशन कैसे होगा इसका? सब प्रोडक्ट रूल लगा के, प्रोडक्ट रूल लगा देना, 2 की पावर 2/3 माइनस 1। हाँ मुझे फाइनल आंसर बताओ क्या क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, ढंग से करना। सर टू, यस सर, एक्स इक्वल्स टू टू आ रहा है, एक ही आ रहा है बस। यस सर, सर एक ही आ रहा है सर, बाकी लोग भी बताओ सर, वाली सबका आंसर यही आ रहा है। पक्का कंफर्म लॉक हो गए? यस सर। चलो देखो, अरे इसके सॉल्यूशन नहीं दिए क्या? ठीक है, चलो करना पड़ेगा। मतलब यू डैश इनटू वी, पहले फर्स्ट वाले का कर देंगे तो 2 बाई 3 आगे आ जाएगा। 2 बाई 3 में वो करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई 3, 2x प्लस 1 प्लस x की पावर, दिस की पावर 2 बाई 3 और इसका डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। सही है क्या, एक बार चेक कर लेना, सही है? Yes, okay. है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या इनटू दिस फंक्शन, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या इनटू दिस फंक्शन। ठीक है, अब थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। एक तो 2 कॉमन आ रहा है, फिर यहाँ पे देखो 2 इनटू 2x प्लस 1 अपॉन, ये नेगेटिव पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। यस, एलसीएम वगैरह लोगे, मल्टीप्लाई होंगे सब, एलसीएम क्या आ जाएगा, ये खुद ही आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले से 2 बाई 3 था जो एलसीएम, उस टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम लेना आते ही है ना? यस सर। ओके, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, और जैसी पावर ऐड होगी पावर 1 हो जाएगी, 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 कितना हो जाएगा, 1 है ना?
अब न्यूमरेटर में देखो क्या बच जाएगा आपके पास, ये मल्टीप्लाई होगा तो या 2 3 6 ब्रैकेट x माइनस 2 न्यूमरेटर में आएगा 10x माइनस 10, 10 कॉमन x माइनस 1 अपॉन 3 टाइम्स x माइनस 2 की पावर 1/3। अब बताओ क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है? 1 और 2 सर। तो फिर आप लोगों ने गलत आंसर समझ में आया? जी सर, आगे समझ में। ध्यान रखना है, क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों के दोनों क्रिटिकल पॉइंट है, तो ध्यान रखना है। चलो अगला करो ट्राई। बोले ए की वैल्यू कहां से कहां तक होगी ताकि यहां पे क्रिटिकल पॉइंट आए। क्रिटिकल पॉइंट आए मतलब जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो हो या फिर नॉट डिफाइंड। तो आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना है कि यहां पे ऐसा क्या करें, ए की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। करो ट्राई, टफ नहीं हो जाएगा आपसे सॉल्व, कोशिश करो। सर ऑप्शन ए। आंसर आ रहा है सर? ऑप्शन ए। ठीक है चलो देखते हैं। देखो इसका डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन माइनस 2a प्लस 1 और हाँ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ये ऐसा जाएगा। अब ये डिफरेंशिएशन या तो जीरो या तो नॉट डिफाइंड। अब देखो नॉट डिफाइंड तो होगा नहीं, दोनों ही फाइनाइट फंक्शन है, मतलब जीरो से इक्वेट कर देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट बोला गया है तो अगर जीरो से इक्वेट कर दोगे तो cos x की वैल्यू क्या जाएगी? ट्वाइस ऑफ a माइनस 1। यस सर। अब a में इनइक्वालिटी लानी तो कैसे लाएंगे सर? a के अलावा सारी टर्म्स को दूसरी साइड भेज देंगे। नहीं नहीं उसकी भी जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे देखो ना cos x आ रहा है सिंपल। cos x कहाँ से कहाँ तक आएगा? माइनस 1 से 1 बस हो गया। अगर आपका LHS पार्ट माइनस 1 से 1 है तो इसको भी तो माइनस 1 से 1 ही लाई करना पड़ेगा। यस सर। तो उससे दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे, दोनों तरफ प्लस वन ऐड जब हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा आपके पास 1/2 आई थिंक, और यहाँ पे आएगा 3/2। हाँ 1/2 से 3/2। यस सर यही आ रहा है। लॉजिकल वो कैसे भी करो, समझ में आ गया? जी सर आ गया। डिफरेंशिएट क्या cos x था, cos माइनस 1 से 1 था और ये ठीक है। किसी को भी डाउट आए, नहीं समझ में आए कोई भी स्टेप तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट और कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है, फिर बुक्स में एग्जाम्स में स्टेशनरी पॉइंट। एक अभी अपन ने पढ़ा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहाँ पे डिफरेंशिएशन या तो जीरो हो जाए नॉट डिफाइन हो जाए। स्टेशनरी पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हो, जीरो हो। हाँ है ना, समझ में आ रहा है? यस सर। यस
अब ये कर लो जल्दी से, कौन कौन से स्टेशनरी पॉइंट होंगे इसके, सब लोग ट्राई करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी लोग भी जवाब दो, सब लोग, एक दो बच्चे ही जवाब दे रहे थे, बाकी लोग भी जवाब दो, चैट बॉक्स में आंसर लिखो, जो भी आंसर आ रहा है सही गलत चलेगा, जवाब दो। क्या आ रहा है मधु, मधुश्री का ए आ रहा है। ओके, स्टेशनरी पॉइंट टफ नहीं, करो ट्राई, नंदिनी का ए आ रहा है, ठीक है। अच्छा आपने वो, मैंने कल बच्चे के चार पांच क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, ट्राई कर पाए थे क्या? पर आपके पास मॉड्यूल शायद नहीं होगी ना, मैंने कल नोट्स भी नहीं भेजे, आज मैं इकट्ठे नोट्स भेज दूंगा कल के और आज के, है ना। हाँ मॉड्यूल भी मैं आज वो आपकी जो स्टूडेंट रिसोर्स शीट है वहीं पे अपलोड कर दूंगा, मॉड्यूल भी और नोट्स भी, पुराने भी कुछ जो नोट्स पेंडिंग है वो भी आज अपलोड हो जाएंगे, सारा काम निपटा दूंगा, ठीक है, आज कुछ पेंडिंग नहीं रहेगा। तो आपके पास संडे मंडे दो दिन रहेंगे, मंडे की राखी भी है तो थोड़ी देर राखी मना लेना, इंजॉय कर लेना, उसके बाद बचा हुआ टाइम अच्छे से यूटिलाइज करना, और जो भी पुराना पेंडिंग काम हो वो सब कर लेना। और अगला आपका जो मेजर टेस्ट आने वाला है, जब भी 1 तारीख को शायद आपका अगला मेजर टेस्ट, तो उसकी तैयारी भी आपको भी स्टार्ट कर देनी। अच्छा उससे रिलेटेड मैंने एक स्टूडेंट रिसोर्स शीट भी बनाई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज आपको, आप कल से 18 तारीख से चालू कर देनी तैयारी, पूरा मैंने उसको बना दिया है, कब कब कौन कौन से दिन क्या करना है, कहां से करना है, कितना करना है, अब आपकी जिम्मेदारी, पूरा शेड्यूल मैंने बना दिया 2 वीक का, ताकि आपकी 1 तारीख का टेस्ट की तैयारी हो जाए, आपको उसकी उसके हिसाब से फॉलो करना है, और हर दिन लेक्चर के आखिरी में डाउट पूछना है, मैं अगर भूल जाऊं तो आपको मुझे याद दिला देना है कि सर मेरे डाउट क्लियर कर दो, क्लियर है? यस सर। और अगर ये भी मैं बात करूंगा कि अब आपका जो व्हाट्सएप का वो जो ग्रुप है उसमें मैसेज ओपन टू ऑल कर दें, बस ये ध्यान रखना कि आप लोग फालतू मैसेज ना भेजो, वो इसलिए करवा रहा हूँ ताकि इनकेस अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो, आप किसी को नहीं बोल पाओ तो आप ग्रुप में पोस्ट कर दो, जैसे मान लो कभी टीचर नोट डालना भूल जाए, कोई और आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट हो तो वहां पे आप डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ ये अगर मैं करवाऊंगा तो आपको ये याद रखना कि आप कुछ हरकतें ना करो, नहीं तो वो वापिस से बंद हो जाएगी। और मैं अब ये चाहता हूँ कि अब काफी टाइम हो चुका है तो आप लोग व्हाट्सएप पर अगर वो ओपन हो जाएगा तो आप लोग भी अपनी वहां बात रख सकते हो, उसमें टीम पूरी टीम रहती है, तो क्या है ना बहुत सी बार आप कुछ अगर नहीं बोल पाओ वहाँ ग्रुप में डालोगे तो सब लोग देख लेते हैं, तो कभी कोई टीचर से कुछ हो गया या फिर क्लास मिस हो गया या फिर मान लो नोट्स डालना भूल गया या फिर आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट हो, शॉर्ट नोट मॉड्यूल PYQ वगैरह, टीचर अगर मान लो भूल जाता है तो आप वहाँ पे अगर लिखोगे तो एटलीस्ट उसको भी याद आ जाएगा, टीम को भी पता चल जाएगा कि हाँ आपको क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ लेकिन आपको इन शॉर्ट बस इसी चीज है, वहाँ पे कोई डाउट के लिए तो अलग ग्रुप है आपका, वहाँ पे सिर्फ आपको ये रिक्वायरमेंट डालनी है और कोई फॉरवर्डेड मैसेज फॉरवर्ड मत करना, ठीक है? यस सर। चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जहाँ पे मैंने बोला था स्टेशनरी पॉइंट जहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो हो, तो डिफरेंशिएट अगर आपने किया होगा तो e की पावर x और ये भी आएगा e की पावर माइनस x और एक माइनस का साइन, इसको हम जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर इसको सिंपलीफाई करने का देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा e की पावर x अपॉन 1 अपॉन e की पावर x इक्वल टू 0, एलसीएम वगैरह लोगे तो कितना आ जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर x इक्वल टू 0, चेक कर लेना, यही आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, हाँ कोई क्या कह रहा है, हाँ बोलो बोलो, हाँ नंदिनी आपने हैंड रेस किया, जल्दी पूछो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, हेलो, बाकी लोगों को आ रही है क्या कि मेरे को ही नहीं आ रही? नो सर, नहीं आ रही। नो नन्ही की नहीं आ रही। नो सर। ठीक है,
सर मैसेज आया है कुछ। हाँ इसमें माइनस क्यों हुआ, क्योंकि देखो अपन e की पावर x माइनस x का डिफरेंस e की पावर का करेंगे तो e की पावर माइनस x, और जब माइनस x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा माइनस वन, इसलिए माइनस आ गया। ठीक है, इसलिए क्या आ गया माइनस आ गया। आई बात समझ में, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x होगा, और जो माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस वन तो वो एक माइनस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा e की पावर x और ये चला जाएगा। अब ये जीरो कहां पे होगा, ये तो जीरो में चला गया, माइनस वन इक्वल टू जीरो, e की पावर टू एक्स इक्वल टू वन। अब e की पावर टू एक्स वन कब होगा, जब पावर क्या हो जीरो, जीरो है ना, एक्स यहां से जीरो आ रहा है। तो जीरो आ रहा है यहाँ पे, तो टू भी आ रहा है क्या, टू कैसे रखेंगे, टू तो नहीं आ रहा है। एक्स को टू रखोगे तो ई स्क्वायर माइनस टू आएगा, जीरो रखोगे तो ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा तो जीरो। तो जीरो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, डी में आ रहा है सिर्फ। क्लियर है? यस, यानी नॉन ऑप्शन ऐसे में आंसर के टिक लगाना चाहिए हमें, अगर हमारे एक ही आंसर आ रहा हो तो। हाँ एक ही आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ दे दिए, सिंगल ऑप्शन आना चाहिए था। ठीक है चलो, अब मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करके, और एक होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देखो, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करके भी हम पता कर सकते हैं मैक्सिमम मिनिमा कहाँ आ रहा है, और एक होता है सेकेंड ऑर्डर, मतलब जहां पे दो बार डिफरेंशिएट करके पता करते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, अगर मान लो एफ डैश एक्स का साइन, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव का लॉजिक क्या है, जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग सर। हेलो, इंक्रीजिंग मतलब यहाँ पे बढ़ेगा, इंक्रीजिंग, और उसके बाद मान लो बढ़ने के बाद घट रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, मतलब पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, नेगेटिव मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो एफ डैश एक्स का साइन अगर प्लस से माइनस चेंज हो रहा है किसी पॉइंट के अबाउट, तो उस पॉइंट पे क्या आएगा, मैक्सिमा, लोकल, बोलो मैक्सिमा की मिनिमा, लोकल मैक्सिमा सर, मैक्सिमा, मैक्सिमा है ना, यस। अगर एफ डैश एक्स का साइन प्लस से माइनस की तरफ चेंज आ रहा है तो उस पॉइंट पे क्या आएगा, लोकल मैक्सिमा। और वहीं पे इसका उल्टा, एफ डैश एक्स का साइन माइनस से प्लस हो रहा हो, माइनस से प्लस मतलब पहले डिक्रीज कर रहा हो फिर इंक्रीज कर रहा हो, तो क्या आएगा मेरे पास, लोकल मिनिमा। तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टेस्ट, मतलब आपके क्रिटिकल पॉइंट पे, जहां जहां पे क्रिटिकल पॉइंट है वहां पे डिफरेंशिएशन का साइन, जैसे यहाँ पे अपन क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद, फिर अपन साइन अप पुट अप करते प्लस माइनस प्लस माइनस, आपको अब ऐसे ऐसे देखना है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ये होती है। तो देखो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, लोकल मिनिमा। प्लस से अगर माइनस की तरफ चेंज हो रहा था यहाँ पे क्या आएगा, लोकल मैक्सिमा। फिर माइनस से वापस प्लस हो रहा था यहाँ पे क्या आएगा, लोकल मिनिमा। और हमेशा ध्यान रखना, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमेशा अल्टरनेट आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि मान लो पहले पॉइंट पे लोकल मिनिमा आया अगले पे भी लोकल मिनिमा आ जाए, नहीं, हमेशा एक के बाद एक ही आएंगे। क्योंकि कभी डायग्राम भी अगर बनेगा ना, जैसे मान लो ऊपर गए फिर नीचे आना पड़ेगा, फिर नीचे से वापस जब ऊपर जाओगे तो अगर एक बार मैक्सिमा तो अगला वापस मिनिमा ही आएगा, ऐसा कभी नहीं आप डायग्राम बना सकते कि दो मैक्सिमा एक साथ आ जाए, आया ना, यस सर, यस सर। तो ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी है ना, अल्टरनेट होते हैं, एक के बाद एक, मतलब मान लो एक लोकल मैक्सिमा है तो फिर अगला लोकल मिनिमा आएगा, फिर मिनिमा के वापस मैक्सिमा, फिर मैक्सिमा के वापस मिनिमा, ऐसा कभी नहीं दिखेगा आपको कि मैक्सिमा मैक्सिमा आता जा रहा है, फिर मिनिमा मिनिमा आता जा रहा है। तो ये था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जहाँ पे डेरिवेटिव के जो साइन है उनकी मदद से आप पता करोगे कि कहाँ पे क्या आ रहा है।
अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड ऑर्डर में ये बोला कि मान लो एफ डैश एक्स जिन जिन पॉइंट पे, मतलब जहां जहां पे क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे डबल डिफरेंशिएशन का साइन अगर पॉजिटिव है, जैसे मान लो एफ डैश एक्स आपने निकाला वहां पे, मान लो एफ डैश एक्स जीरो या नेगेटिव आ रहा है, एफ जीरो या नॉट डिफाइन आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट पे, अगर डबल डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे, उस क्रिटिकल पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, तो आपको मिलेगा लोकल मिनिमा। डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव है तो आपको मिलेगा लोकल मैक्सिमा। क्लियर है? यस सर। वैसे इस पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। कुछ नहीं लिखा है, मतलब लोकली पूछा है। जब कुछ भी नहीं लिखा रहता तो हम लोकली मानते हैं। ग्लोबल अगर होगा तो आप अलग से मेंशन कर देगा। इसके लिए मुझे बताओ कहाँ पे लोकल मैक्सिमा, कहाँ पे लोकल मिनिमा आएगा। डिफरेंशिएट करो। यस सर, दो मिनट सर। एक्स इक्वल्स टू टू सर, माइनस टू पे मिनिमा और प्लस टू पे मैक्सिमा। सर एक्स टू पे मिनिमा होगा, मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा। ठीक है, टू और माइनस टू आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन अगर करा होगा ये आ रहा होगा माइनस थ्री कॉमन, ठीक है? यस सर, यही आ रहा है। ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, अब इनको प्लॉट कर दोगे। दो फैक्टर है यहाँ पे, एक माइनस टू और एक प्लस टू। अब ध्यान से देखो, बाहर एक माइनस का साइन है। एक्स की वैल्यू अगर टू से ज्यादा हुई, टू से ज्यादा रख के देख लो, फोर रख लिया मान लो, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। फिर टू से माइनस टू और टू के बीच में जीरो रख के देख, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब साइन आपका चेक करो, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस जा रहा है तो क्या आएगा? डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा, मिनिमा। मिनिमा माइनस से प्लस हो रहा है, एफ डैश एक्स का साइन, एफ डैश एक्स के साइन है ना? यस सर। माइनस से प्लस मतलब डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा, तो मिनिमा, फिर इंक्रीज करके फिर डिक्रीज करेगा तो लोकल मैक्सिमम। तो माइनस टू पे मिनिमा और प्लस टू पे मैक्सिमा, क्या है? सबको समझ में आ रहा है? पक्का बताओ, हाँ या ना? यस सर, यस सर। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का, बेसिक यहाँ पे एक एक करके बढ़ेंगे। यहाँ पे कोई डाउट हो कोई स्टेप में तो पूछ लेना। तो माइनस टू पे लोकल मिनिमा आ रहा है, प्लस टू पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है। चलो ये ट्राई करो। एक्सट्रीमा मतलब कोई लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। Yeah, try. जी सर, बस दो मिनट।
सर क्रिटिकल पॉइंट आ रहे सर, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया। सर एक भी पॉइंट नहीं आ रहा क्रिटिकल, एक भी नहीं आ रहा है। यस सर नहीं आ रहा, नो एस्टिमेट होगा। ठीक है देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन अगर आपने किया होगा तो यह आएगा 12x² माइनस 36x प्लस 27। इस पूरे में से आई थिंक 3 कॉमन आ रहा है। यस सर। स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब इसके फैक्टर बनाने हैं जहां पे ये जीरो हो जाए, ठीक है। अब इसका डी अगर निकालें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो जो डी होगा वो एक बार चेक कर लेते, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी हो जाएगा 144 माइनस ये कितना आएगा 144 ही आ रहा है ना। यस सर 144। हाँ 144। इसका डी तो जीरो आ रहा है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या? यस सर 2x माइनस 3 का। 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे dy बाई dx जीरो कहाँ पे होगा? 3/2 पे, 3/2 है ना। लेकिन अगर इसका अगर यहाँ पे प्लॉट करें अपन, 3/2 3/2 से ज्यादा रखू तो भी इसका साइन प्लस रहेगा, और 3/2 से कम रखू तो भी इसका साइन क्या रहेगा? प्लस ही रहेगा क्योंकि होल स्क्वायर है ना। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 3/2। लेकिन 3/2 से ज्यादा या 3/2 से कम? आपकी वॉइस क्या हो गया? समझ में आया? 3/2 पे क्या आस पहले भी प्लस आ रहा है, इधर भी प्लस आ रहा है? वॉइस कट हो रही है, एक सेकंड। हेलो आवाज आ रही है? यस सर अब सही है। यस सर अब आ रही है। हाँ बच्चों, तो क्रिटिकल पॉइंट 3/2 पे डिफरेंशिएशन का साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या यहाँ पे कोई मैक्सिमा या मिनिमा आएगा? नो सर, नो मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्लियर है? Yes, और यहाँ पे अगर आप इसका डबल डिफरेंशिएशन भी करोगे तो डबल डिफरेंशिएशन भी जीरो आ रहा है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन भी क्या आ रहा है? जीरो आएगा। तो मतलब इस क्यूबिक इक्वेशन का कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं आएगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा फिर? प्रिडिक्ट करो जरा सर। एक लाइन, कांस्टेंट लाइन? नहीं नहीं क्यूबिक है, कर्व आएगा, मतलब ऐसा कर्व जो टर्न नहीं करेगा। क्यूबिक के मतलब देखो, क्यूबिक के मतलब 3 रूट होने चाहिए मैक्सिमम। क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? 3 रूट, सही है। अब देखो इसमें यहाँ पे कुछ एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं। अब ये 3 रूट्स किस प्रकार के हो सकते हैं? ये तो तीनों रियल हो, एक ऑप्शन कि तीनों रियल हो जाए। दूसरा ऑप्शन एक रियल हो, दो इमेजिनरी हो। ये इमेजिनरी कॉन्जुगेट पेयर में कर करते हैं। तीन इमेजिनरी का ऑप्शन नहीं बन पाएगा क्योंकि कॉन्जुगेट पेयर में कर करते इमेजिनरी रूट्स। तो दो तरह के ऑप्शन बनेंगे, या तो दो तीन रियल। तो अगर 3 रियल हुए तो फिर तो एक मैक्सिमा एक मिनिमा आना है, आया ना? क्योंकि अगर 3 रियल हुए तो एक्स एक्सिस को 3 जगह कट करेंगे, वहां पे आपको मैक्सिमा मिनिमम मिलेगा। इसे एक रियल हुआ, दो इमेजिनरी, तो एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट करेंगे, आया ना? एक्स एक्सिस को क्या करेगा? एक ही जगह कट करेगा, और वहां पे भी आपको कोई मैक्सिमा कोई मिनिमा नहीं मिलेगा, क्लियर है?
मतलब कहीं ना कहीं ग्राफ इसका इस तरह से आ रहा होगा, एक सिंगल रूट, एक ही रियल रूट आएगा इसका, वो निकाल के देख लेना किस एक्स पे सेटिस्फाई कर रहा है, और आपका ग्राफ जो भी होगा ऐसा कुछ चला जाएगा। अब उस पॉइंट के पहले टेंजेंट तो डीवाई बाई डी एक्स तो जीरो है, डबल डिफरेंशिएशन भी जीरो है, लेकिन वो इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नो मैक्सिमा नो मिनिमा है। अब ये किसका कर्वे है, y इक्वल टू fx का, ये क्यूबिक कर्वे जिसका एक एक, एक रियल रूट है, बच्चे में दो क्या होंगे इमेजिनरी होंगे, क्या आप समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, तो यहां से देखो एक चीज और मिली क्या, ऐसे केस में इस मान लो क्यूबिक इक्वेशन में बना रहा हूं, इसे ये पॉइंट है, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आगे जाके पढ़ाऊंगा मैं, अभी बस आगे इसलिए बता रहा हूं। इस पॉइंट पे अगर आप डिफरेंशिएशन निकालोगे वो भी जीरो आएगा, डबल डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा जीरो आएगा। अब मैंने आपको ये बताया था कि डबल डिफरेंशिएशन का साइन अगर पॉजिटिव हो तो मैक्सिमा, नेगेटिव हो तो मिनिमा, लेकिन जीरो हो तो क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसा पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन दोनों जीरो हो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब यहाँ पे ना जो डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेंज हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे पहले कर्व डाउनवर्ड था, बाद में कर्व क्या हो गया अब, तो ऐसे कर्व को बोलते हैं कॉनकेव डाउन। ऐसे कर्व का एक नाम और क्या दिया गया, कॉनकेव डाउन। यहाँ पे आपका यहाँ पे इतने हिस्से में जहां पे भी कॉनकेव डाउन है, यहाँ पे जो डबल डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होता है, वो क्या होता है नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव क्या होता है नेगेटिव, इसके पहले पहले, इस पॉइंट के पहले पहले, और इस पॉइंट के बाद ऐसे कर जहां पे देखो कॉनकेविटी चेंज हो रही है, अब ये अपवर्ड की टाइप हो रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं अपन कॉनकेव अप। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किस पॉइंट को बोलेंगे, ऐसे पॉइंट जहां पे कॉनकेविटी चेंज हो रही है या फिर डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है। जो एफ डैश एक्स डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पे डबल, ये मान लो पॉइंट है ए, इस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव जीरो है, उसके पहले मान लो नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव है, तो जहां पे भी डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है ऐसे पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव दोनों ही जीरो होते हैं, और कर्व की कॉनकेविटी चेंज होती है। अब ध्यान से देखो, पहले एक डाउन कॉनकेव है, बाद में अप कॉनकेव है, क्लियर है? तभी कॉनकेविटी आएगी, क्लियर है? चलो आप ट्राई करो। सर हाँ, क्या आ रहा है? The value of a for which the function सर ऑप्शन डी, सर ऑप्शन डी, सर ऑप्शन डी, डी आ रहा है सर, डी टू ए बी डी, तीन तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, चलो देखते हैं, पता नहीं क्या आंसर इसका। The value of a for which the function has extremum, the boy extremum point at pi by 3. तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं पहले।
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस और इस साइन का भी कॉस। पाई बाई थ्री पे एक्सट्रीमा में मतलब पाई बाई थ्री पे जीरो नॉट डिफाइन हो रहा होगा तो पाई बाई थ्री रख देते हैं एफ डैश के अंदर। पाई बाई थ्री मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1 बाई टू होता है और ये कितना हो जाएगा 60 इंटू थ्री 180 डिग्री पाई। यस सर यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है क्या? If x equal to 1 and minus 2 are the extreme point of the function, ये ऐसा दिया होगा बच्चों, इस तरह से ले लो। Alpha ln mod x plus beta x square plus x. तो x equal to minus 1 or 2 अगर extremum point है तो alpha और beta की वैल्यू बताओ। करो ट्राई करो इससे। चलो ऑप्शन थ्री। हो गया सर, हो गया सर। थर्ड ऑप्शन है कट। बाकी लोगों को क्या आ रहा है? सी आ रहा है सबका। वेरी गुड।
आई थिंक ये क्या होगा, आप लोगों ने डिफरेंशिएट अगर इसका देखेंगे, अल्फा एल एन मॉड एक्स का 1/x, 2β(x) प्लस 1, एक बार माइनस 1 रख के 0 से इक्वेट कर देंगे, एक बार प्लस प्लस 2 रख के 0 से इक्वेट कर देंगे, हाँ है ना? यस सर। एक बार माइनस 1 रखा तो अल्फा प्लस माइनस 2β प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर एक बार 2 रखेंगे तो 2 रखने पे अल्फा बाय 2 प्लस 4β प्लस 1 इक्वल टू 0, इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा बीटा निकल जाएगा, हाँ है ना? कर लोगे सॉल्व? जी सर। बोलो आंसर कैसे इसका? ठीक है, आंसर निकाल लेना। आंसर यहाँ पे मैंने एक्चुअली क्वेश्चन डायरेक्ट जेई का डाला था, आंसर की उस वक्त मिली नहीं थी, बाकी सही आ रहा होगा। क्लियर है सर? वैसे मॉड एक्स वो माइनस 1 नहीं ओपन होगा सर? मॉड एक्स माइनस 1 डालोगे तो 1 ही तो ओपन होगा, मॉड एक्स के अंदर नेगेटिव नंबर तो पॉजिटिव बन जाता है ना। ओके सर। चलो इसको करो जल्दी से कोशिश। सर लास्ट वाले क्वेश्चन में सर 1β मतलब बीटा 1/10 आ रहा है सर, मैंने ओपन किया था तब सही आ गया था आंसर। चलो मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूँ, इसको पहले कर लो। बाकी लोगों का आंसर आ रहा था? यस सर। इसका आंसर निकालो, अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से ट्राई करो बच्चों, एक मिनट का और समय दे रहा हूं, कोशिश करो अपनी तरफ से।
चलो आंसर आया किसी का, इनइक्वालिटी में आया किसका आंसर? क्वेश्चन अच्छा है, सुनो ध्यान से। बोला गया बी की वैल्यू बताओ ताकि एक्स इक्वल टू थ्री पे मिनिमा आए। अभी मैंने आपको लॉजिकली बताया था स्टार्टिंग में चैप्टर में, मिनिमा कहाँ आता है बताओ, मिनिमा कहाँ आता है, क्या बोलते हैं अपन अगर इस पॉइंट पे मिनिमा, इसका मतलब? हेलो आवाज आ रही है? यस सर आ रही है सर। यस सर। हाँ अभी मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग जब कर रहा था मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल क्या बताया कि किसी पॉइंट पे अगर मिनिमा है इसका मतलब क्या बताएंगे, मिनिमा कहाँ पे आता है जब उसके क्या हो नेबरहुड में क्या हो सर, वैल्यू ज्यादा हो उनकी। हाँ दोनों ही नेबरहुड में, दोनों ही नेबरहुड में जो वैल्यू है वो इन दोनों इससे क्या होगी, ज्यादा ही होगी, है ना? यस सर। तो बोला थ्री पे मिनिमा है, मान लो ऐसा कुछ हल्का सा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, थ्री पे मान लो मिनिमा है तो थ्री प्लस पे और थ्री माइनस पे जो वैल्यू होगी वो इस थ्री वाली वैल्यू से तो क्या होगी, ज्यादा ही होगी। तो देखो थ्री पे वैल्यू कितनी आ रही है, -15 थ्री रख दो -15, थ्री माइनस वैल्यू आएगी थ्री से थोड़ा सा पहला, वो वैल्यू इस -15 से ज्यादा होगी, है ना? यस सर। यही तो मिनिमा की डेफिनेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू -15 होगी। अब फंक्शन के लिए -3 पे, लेस देन 3 पे, लेस देन 3 पे क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ रख दोगे एक आ गया, अच्छा बी यार यहाँ से आप आ जाएगा 12 -9 प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू -15, तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू -15 -3, बी ग्रेटर देन इक्वल टू -18, क्लियर है? यस सर। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको, तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू -18, बी ग्रेटर देन इक्वल टू -18। अब ये वाला ट्राई करो पहले, इसमें थोड़ी और अलग वैरायटी, वैरायटी चेंज होगी हर क्वेश्चन में, आपको थोड़ा लॉजिक खुद से डेवलप करना है, पहले खुद से सोचो फिर मैं सिखाऊंगा कि आप क्या उसको करने का तरीका होगा। एक मिनट का समय दे रहा हूँ वापिस से, आपको जो सही लगता है वैसे ट्राई करो, आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपका ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, फिर आपको ट्राई करने के बाद जब मैं समझाऊं उसको समझना है। अच्छा वो जो पिछला क्वेश्चन आपको जो डाउट था, हाँ माइक गलती कर दी थी अपन ने, वो बता देता हूँ, डिफरेंशिएशन 1/x ही होगा, मॉड नहीं लगेगा क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन अपन क्या लिखते हैं 1/x ही लिखते हैं, मॉड x नहीं लिखते हैं, है ना? यहाँ गलती कर दी थी मैंने, क्लियर है? yes. आ रही बात समझ में? हेलो आपको आवाज आ रही है? हेलो एलएन एक्स का डोमेन तो मुझे पता ही है लेकिन ln x का डिफरेंशिएशन अपन क्या लिखते हैं 1/x, ठीक है ध्यान। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से सोचो और करो, एक मिनट का समय।
सर ऑप्शन बी बी आ रहा है क्या? ठीक है देखते हैं एक बार, अपने अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर लेना, बाकी लोग भी ट्राई करो एक बार जल्दी से। यस कर लिया सर। चलो करते बच्चों, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी थी, हमको क्या बोला था कि जीरो से पाई में इस फंक्शन का मैक्सिमम स्लोप कब होगा, और आपको पता है स्लोप मतलब डीवाई बाई डी एक्स, तो मतलब आपको बेसिकली डिफरेंशिएशन की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा उसके मैक्सिमम वैल्यू जीरो से पाई में कहाँ पे होगी वो पूछा गया। क्या ये समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले, सब लोग बताओ यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया ये समझ में आया? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्लोप, स्लोप मतलब डीवाइड बाय डीएक्स मतलब आपका जो डिफरेंशिएशन उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। एफएक्स आपको दिया हुआ था, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन ई की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ई की पावर साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो जो डिफरेंशिएशन आ रहा है उसको आपने मान लो अभी नाम दे दिया जी, कुछ भी नाम दे दो, मान लो एच एक्स नाम दे दिया, इस डिफरेंशिएशन को क्या नाम दे दिया एक नया, क्योंकि इसी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो डिफरेंशिएशन आपका आया e की पावर x sin x plus cos x। अब इसकी मुझे क्या निकालनी है कि किस पॉइंट पे x की किस वैल्यू पे मैक्सिमम आएगा, मतलब x की किस वैल्यू पे मैक्सिमम आएगा, तो मैक्सिमम निकालने के लिए वापस डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं कहां पे इसका साइन चेंज हो रहा है। इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे वापस मैक्सिमम निकालने के लिए तो e की पावर x ऐसा कैसा प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका डिफरेंशिएशन इनटू दिस प्लस यू इनटू एफ डैश एक्स साइन प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहां से ई की पावर एक्स कॉमन लोगे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा कॉस प्लस कॉस टू कॉस एक्स आ जाएगा, ये आपका सर चेन रूल भी तो लगेगा सर, चेन रूल थोड़ी यहां पे दो फंक्शन है ना, नहीं सर ओके समझ गया, यहां पे आपने इसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया, अब इस डिफरेंशिएशन ये जीरो कहाँ पे होगा, पाई बाय टू पे तो होगा, आया ना पाई बाय टू पे जीरो होगा, पाई बाय टू के आगे क्या होगा पॉजिटिव, सॉरी एक बार देखो ध्यान, अब ये डिफरेंशिएशन आया जीरो से पाई में मुझे चेक करना है, ठीक है जीरो से पाई में पाई बाय टू पे जीरो हो रहा है डिफरेंशिएशन ऑन एच डैश एक्स, जिसकी मैक्सिमम मुझे निकालनी है, जिसका मैक्सिमम मुझे निकालना है मुझे एफ एक्स के डिफरेंशिएशन, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है ये आया, इसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो पाई बाय टू पे जीरो हो रहा है, जीरो से पाई बाय टू में पॉजिटिव, पाई बाय टू से पाई में क्या हो रहा है नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहीं पे आपका मैक्सिमा आ रहा है, तो मैक्सिमा कहाँ पे आ रहा है पाई बाय टू पे, तो एक्स की वैल्यू पाई बाय टू रखोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, पाई बाय टू पे क्या हो जाएगा साइन की वैल्यू वन कॉस की वैल्यू जीरो और ई की पावर पाई बाय टू इंटू वन, ठीक है तो जो भी फंक्शन मुझे दिया था उसका भी मैक्सिमम निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट किया और देखा वो कहाँ पे जीरो हो रहा है, तो जिस क्योंकि देखो यहाँ पे वापिस समझा रहा हूँ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी थी, फंक्शन के डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, फिर जब उसका मैक्सिमम निकाला तो उसको वापस से डेरिवेटिव निकाला और देखा उसका डेरिवेटिव कहां पे जीरो हो रहा है, कहां पे इसका डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, तो डेरिवेटिव को उसके डेरिवेटिव के डेरिवेटिव का साइन पाई बाय टू पे चेंज हो रहा है, तो वहीं पे आपका क्या रहा है मैक्सिमम आ रहा है, क्लियर हुआ सर? पाई बाय टू पे तो मैक्सिमम आ रहा है, तो मैक्सिमम थोड़ी होगा वहां पे, उसका स्लोप तो जीरो होगा, नहीं नहीं
वहां पे किसका स्लोप जीरो होगा, एच डैश फंक्शन की बात थोड़ी कर रहे हैं अपन, यहाँ देखो फंक्शन तो अलग है ना, उस पॉइंट पे देखो एच एक्स की बात कर रहा हूँ, पाई बाई टू पे देखो एच एक्स की वैल्यू जीरो थोड़ी आ रही है, एच एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है ना, और यही तो एच एक्स मुझे निकालना था मैक्सिमम। अरे आपका एच का डेरिवेटिव स्लोप निकालना था ना मैक्सिमम, तो हाँ आपका एच का डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, एच एक्स थोड़ी जीरो हो रहा है पाई बाई टू पे, और स्लोप किसका निकालना था, एफ एक्स का, समझ पा रहे हो, वापिस से देखना इसको, यस सर, यस सर, यस, स्टेप बाय स्टेप वापिस समझना इसको। क्यूबिक का मैंने आपको आज बताया था, एक क्यूबिक इक्वेशन के जो है वो तीन रूट होते हैं, उस तीन रूट में से भी आपको पता है जो मैंने बताया कि तीन रूट में कैसे कैसे रूट हो सकते हैं, या तो तीनों रियल, या फिर दो सॉरी एक रियल एंड टू इमेजिनरी, हाँ है ना। yes, तो जब क्यूबिक का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन मान लो, इसका डिफरेंशिएशन अगर करूंगा तो क्वाड्रेटिक बनेगी, yes, sir। उस क्वाड्रेटिक के अगर फैक्टर बना लिए, मतलब अगर दो दो डिस्टिंक्ट रूट हैं, मतलब वहां पे डिफरेंशिएशन आपका मतलब एक मैक्सिमा और एक मिनिमा आ रहा होगा, मतलब अगर उसका डी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब एक मैक्सिमा मिनिमा आ रहा होगा, इसका मतलब आपको क्या मिलने वाले हैं, थ्री रियल रूट, क्या मिलने वाले हैं, थ्री रियल रूट, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन में क्वाड्रेटिक बने, क्यूबिक का डिफरेंशिएशन के आपने क्वाड्रेटिक बने, उस क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर आ रहे हैं, दो फैक्टर आ रहे हैं, मतलब वहां पे आपका डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा होगा, मतलब वहां पे एक मैक्सिमा आएगा एक मिनिमा आएगा, मतलब ग्राफ कहीं ना कहीं टर्न कर रहा होगा, इससे टर्न कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसके कितने रूट होंगे, तीन रूट होंगे, ठीक है, आ रही बात समझ में, यस सर, यस सर। अगर मान लो डिफरेंशिएशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी उसका डी अगर जीरो आ गया, मतलब डी जीरो है, मतलब एक ही रूट है उस क्यूबिक का, सॉरी डिफरेंशिएशन जीरो है, इसका मतलब क्या है, मतलब एक ही फैक्टर बन रहा होगा एफ डैश एक्स का, आया ना, yes, एक ही फैक्टर, yes, बन रहा, मतलब उस पॉइंट पे आपका क्या हो रहा होगा, एक ही रियल रूट आएगा, हाँ है ना, ठीक है, इसका एग्जांपल समझते, देखो ये एग्जांपल यहाँ पे दिया है, क्यूबिक का ग्राफ इस तीन तरह से हो सकता है, पहला ग्राफ यहाँ पे अगर आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे तो फर्स्ट वाले ग्राफ में आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपको कितने रियल रूट मिल रहे हैं, तीन, एक्स को तीन जगह कट कर रहा है, तो यहाँ पे थ्री रियल रूट है, ये बहुत अच्छा एनालिसिस है बच्चों, ग्राफिकल, जैसे आपको मतलब जब भी ग्राफ को प्लॉटिंग वगैरह करनी होगी तो काम आएगा, यहाँ पे एक्स को कितनी जगह कट कर रहा है, एक बार, अरे बोलो, तो वन रियल रूट है ना, जो भी yes, आपने देखा था अपन ने, कॉनकेविटी भी चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन दोनों जीरो होंगे, तो यहाँ पे एक ही रियल रूट आएगा, और बचे हुए दो क्या आएंगे, इमेजिनरी, बचे हुए दो क्या आएंगे, इमेजिनरी, ये थर्ड केस अभी मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ, उसके पहले एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पे बोला गया एक फंक्शन एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, ए पॉजिटिव है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एज अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा, दैट इज एफ एक्स अटेन्स मिनिमा एट नेगेटिव वैल्यू, मतलब जो मिनिमा पॉइंट आ रहा है एक्स की, जो वैल्यू जहाँ पे मिनिमा आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन का जो मिनिमा, मतलब बेसिकली इस फंक्शन का जो मिनिमा आ रहा है उस, वो जिस एक्स पे आ रहा है वो एक्स नेगेटिव है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस फंक्शन का जो मिनिमा आ रहा है जिस एक्स पे, वो एक्स आपका नेगेटिव आ रहा है, तो ए की वैल्यू बताओ, करो ट्राई,
चलो अब सीखना अच्छे से। देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट है अभी जो मैंने बताया आपको, ये बहुत अच्छे समझना कि जो क्यूबिक है ना, क्यूबिक इक्वेशन का जो डिफरेंशिएशन आप करते हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उस क्वाड्रेटिक के तीन तरह के रूट हो सकते हैं, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर दो डिस्टिंक्ट रियल रूट हुए तो उस मतलब डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन करने पे ध्यान रखना, क्यूबिक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्यूबिक करके जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगी। उस क्वाड ध्यान से सुनना सब लोग, कंसंट्रेट हो गए, क्वेश्चन में क्या गिवन है क्यूबिक, तो क्यूबिक के या तो तीन रियल रूट या एक रियल रूट, दो इमेजिनरी, ठीक है, या फिर रूट होंगे ही नहीं, मतलब अलग ही हो जाएगी वो। अब इसका डिफरेंशिएशन करके अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता है क्वाड्रेटिक के केस में तीन तरह की कंडीशन बन सकती है, या तो दोनों रूट्स अलग अलग आ रहे हो, दोनों रूट्स इक्वल हो, या फिर नो रियल रूट हो। अगर दोनों रूट अलग अलग है मतलब डी आपका ग्रेटर देन जीरो है, तो आपको कहीं ना कहीं दो डिस्टिंक्ट रूट है मतलब अल्फा और बीटा पे मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा होगा, एक रूट अल्फा पे मान लो मैक्सिमा, दूसरे पे मिनिमा। अगर दोनों के दोनों रूट इक्वल है, डी इक्वल टू जीरो, तो दोनों रूट मतलब उसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है एक ही पॉइंट पे, तो दोनों रूट यही एक ही जगह आएंगे। और डी मान लो नेगेटिव है तो आपका तो ग्राफ अलग ही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मतलब बेसिकली कोई कॉन्केविटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसको इतना एनालिसिस करना नहीं आपके सिलेबस में, ये नहीं, आपकी ये दो चीजें। अब यहाँ पे भी बस ध्यान रखने वाली आपको ये बात ध्यान रखना है, ये जो ग्राफ बन रहा है ये किसके लिए बन रहा है, जब भी लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, यहाँ पे जो ए है वो पॉजिटिव हो, तो जब ए, बस इसको याद रख लेना कि क्यूबिक के केस में, सुनना ध्यान से, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसमें अगर मान लो ये लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और इसका जो डिफरेंशिएशन किया, उस डिफरेंशिएशन का डी भी मान लो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन के दो रियल रूट आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक जगह मैक्सिमा आएगा एक जगह मिनिमा आएगा, तो ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, ऐसे नीचे से स्टार्ट होगा, ऐसा बनेगा। तो एक जगह आपका एक रूट अल्फा जहां पे डिफरेंशिएशन यहां पे जीरो हो रहा है, दूसरा डिफरेंशिएशन यहां पे ये अल्फा ये बीटा, तो आप हमेशा देखोगे जो पहले आ रहा है, पहले मैक्सिमा आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है मिनिमा आ रहा है, पहले क्या आ रहा है पहले, क्योंकि ए जब पॉजिटिव होता है ग्राफ ऐसे स्टार्ट होता है, नीचे से स्टार्ट होता है, जैसे क्वाड्रेटिक के केस में आपको बताया था ना, ए पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला, ए नेगेटिव होता है डाउनवर्ड पैराबोला, वैसे क्यूबिक में जब ए ग्रेटर देन जीरो होता है तो ग्राफ ऐसे नीचे से स्टार्ट होता है फिर ऐसे जाता है, तो हमेशा पहले क्या आएगा, पहले मैक्सिमा आएगा, मैक्सिमा आने के बाद फिर अगला क्या आएगा मिनिमा है, मिनिमा फिर क्या आएगा मिनिमा। अच्छा अल्फा और बीटा में कौन ज्यादा है, अल्फा के बीटा, बीटा ज्यादा है, हाँ बीटा ज्यादा अल्फा कम है, मतलब स्मॉलर वैल्यू पे, स्मॉलर वैल्यू पर मैक्सिमा, और फिर अल्फा और बीटा में ध्यान रखना, अल्फा और बीटा में जो डिफरेंशिएशन के जो रूट आ रहे हैं अल्फा और बीटा, उसमें स्मॉलर वैल्यू पे जो पहले आ रहा है उस पर मैक्सिमा, और जो बाद वाला आ रहा है उस पे क्या आ रहा है मिनिमा, और लार्जर वैल्यू पे मिनिमा। क्या समझ पा रहे हो आप लोग, याद रख लोगे इस चीज को, इसका डिटेल एनालिसिस किसी दिन बता दूंगा, लेकिन अगर याद रख सको तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, अभी समय भी कम है, बस आपको हल्का सा याद दिला रहा हूं, सुनो ध्यान से, वापस बता रहा हूं, कोई भी क्यूबिक गिवन है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस क्यूबिक में अगर ए पॉजिटिव है और इसका डिफरेंशिएशन जब हमने किया तो 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, इस डिफरेंशिएशन करके जो क्वाड्रेटिक बनी, इसका d अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब इसके दो फैक्टर बनेंगे, है ना, अरे बोलो, जहां पे डिफरेंशिएशन 0 हो रहा होगा, yes, बोलो sir. मैक्सिमम तीन ही रूट होंगे, तो ये आपका अल्फा या आपका बीटा, तो जो स्मॉलर होगा अल्फा और बीटा में जहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, जो स्मॉलर होगा स्मॉलर वाले पे आपका मैक्सिमा आएगा, आगे वाले पे वो आएगा मिनिमा आएगा। अब ये क्वेश्चन उसी का एप्लीकेशन था,
यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन गिवन थी, ए ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला ग्रेटर देन जीरो, ए जब लेस देन जीरो होगा वो क्या होगा वो भी मैं अगली क्लास में बताऊंगा, उस पर डिटेल एनालिसिस, लेकिन अभी ए पॉजिटिव के लिए सोचते हैं। बोला क्या ए अगर ग्रेटर देन जीरो मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा कुछ है ना, ये हटा देता हूँ, पॉजिटिव जो भी आएगा। यहाँ पे आ रहा है आपका मैक्सिमा, यहाँ पे आ रहा है मिनिमा। अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन में बोला गया ए की वैल्यू बताओ सच दैट फंक्शन का मिनिमा एक नेगेटिव एक्स पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है नेगेटिव है, जहां पे मिनिमा आ रहा है फंक्शन का वो क्या है नेगेटिव है, आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो जो मैक्सी जहां पे मैक्सिमा आएगा वो तो इससे भी कम होगा, yes, sir. है ना, यहाँ पे मान लो एक्स वन है, या फिर एक काम करते इसको एक्स वन एक्स नॉट, तो जहां पे मैक्सिमा आएगा वो तो इससे भी क्या आएगा कम आएगा, मतलब जो भी नेगेटिव वैल्यू उससे भी क्या आएगा कम आएगा। तो अब इसका कहां पे मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, 3x स्क्वायर 3 से कैंसिल, x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस 2x। टाइम कितना हो गया, टाइम होने वाला है क्या, जल्दी करो मेरी क्लास, सर हो गया टाइम, हां मेरी क्लास एक और a माइनस 1, एक काम करते इसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं फिर, अभी हो सकता है क्योंकि इसको वो समझाने में 10 मिनट लगेंगे, ठीक है, ये क्यूबिक का पूरा एनालिसिस मैं नेक्स्ट क्लास में वापस लूंगा, तो घबराना मत, नेक्स्ट क्लास में इस पूरा टॉपिक को वापस कवर करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या देखा, दो चीजें देखी, सुनो ध्यान से वापस से समराइज कर रहा हूं, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, इसके अलावा हमने एक पॉइंट पढ़ा क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट मतलब बताओ क्या, वो पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो या फिर नेगेटिव हो जाए, या फिर जीरो या फिर नॉट डिफाइन हो जाए। एक पढ़ा था स्टेशनरी पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो होता है, और एक मैंने एक्स्ट्रा चीज में बाद में ये बताया कि कैसे आपको मैक्सिमम मिनिमम पता करना है, दो टेस्ट होते हैं, एक तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आया ना, यस सर, और एक होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड ऑर्डर, और उसमें मैंने आपको एक चीज और बताई क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आगे क्लास में और वापस आएगा जहां पे भी कॉन्केविटी चेंज होती है, ठीक है। तो ये बेसिक जहां तक मैंने पढ़ाया, इससे रिलेटेड मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चन हो वो आप प्लीज ट्राई कर लेना, मॉड्यूल में आज ही अपलोड कर दूंगा, और टेस्ट से रिलेटेड जो मटेरियल वो भी आपके साथ आज शेयर हो जाएगा, ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सर, बाय सर, बाय बाय सर, थैंक यू, बाय बाय।